ऑलरेडी इनका फाइनेंशियल हो चुका है, बट हम इससे नेगोशिएट कर रहे हैं फॉर सैलरी एंड लोकेशन। और कितने लोग का आज मेरे पास 5 फाइनेंशियल आ चुके हैं और इंटरव्यू चल रहा है और बहुत ही मास कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एफएम से एसएम बना रहे हैं प्लस एरोबियम से एफएम का भी प्रोग्राम चल रहा है और ये कंपनी ने बहुत स्टार्ट किया है। हर मंथ हम 15th को जिनमें भी जिनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए अपॉर्चुनिटी यहाँ है। आइए अरुंदा से मिलते हैं। अरुंदा क्या चल रहा है? एक मिनट। क्या अभी किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू चल रहा है आपका? ये अभी एफएम से आवाज नहीं आ रही। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया सर। किस प्रोफाइल के लिए आपका चल रहा है इंटरव्यू? ए एस एम के लिए। तो अभी जो हम लोग प्रोग्राम चलाए हिपो कैंडिडेट का और 186 लोगों का आया है इसमें नॉमिनेशन, तो आज जो कल तक सेलेक्ट हो चुके हैं टोटल एएसएम में सब मिलाकर 21 लोग, तो उनका फाइनल सैलरी लोकेशन सारा नेगोशिएशन आज हो रहा है। तो वही एक इंटरव्यू यहाँ भी चल रहा है। अपने सारे आरएम सारे क्लस्टर मैनेजर इसी काम में लगे हुए। आज का दिन फुल डेडिकेटेड है मैन पावर के लिए और जो भी आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए। चलिए अरुंदा लगे रहिए। अरुंदा कुछ इस पे आपका कहना हो, आपका कोई? हाँ सर बिल्कुल कहना है। जैसे कि हमने काफी सारा फिल्टर करके इनका फर्स्ट राउंड भी हुआ, सेकंड राउंड भी इंटरव्यू हुआ, अब हम लोग उसको क्या है फाइनली प्रमोट कर रहे हैं, सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग का कैंडिडेट जो निकल के आ रहे हैं जो एफएम से अपने एसएम बना रहे हैं, तो ये मतलब अपना पहले से सीख के पहले से अपना प्रोसेस जानते हैं, अपना कैसे सारा चीज को अपने ड्राइव कर रहे हैं, अपने मैनेजमेंट को अपना स्टॉक को कैसे कर रहे हैं, इन्वेंटरी का जो भी अपना कंपनी का KRA KPI है, तो ये लोग अच्छी तरह से करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे लिए एसेट है तो हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत थोड़ा और हमने प्रोफेशनल किया है कि जैसे अगर प्रमोट भी हो जाता था तो उसके बाद ठीक है सैलरी हम लोग बढ़ा देते थे, लेकिन अभी इस बार हमने उनके साथ नेगोशिएशन भी करना शुरू किया है, उनसे बात भी करना शुरू किया है और एक कंफर्टेबल सैलरी की केवल 1-2 हजार खाली बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी और नहीं। सबसे अच्छा चीज सर ये कर रहे हैं कि सैलरी को बढ़ाएंगे अपने, अगर किसी को रिलोकेट करते हैं तो उस रिलोकेट रिलोकेशन का उसका भी हम लोग पैसा दे रहे हैं। मतलब अगर कोई कहीं दूसरी जगह अगर हम उसको ट्रांसफर करने के लिए भी कह रहे हैं या वो जाने के लिए इंटरेस्टेड भी है, तो खाली उसका सैलरी नहीं हम बढ़ा रहे हैं, सैलरी बढ़ाने के साथ साथ उसको जो रिलोकेशन के लिए पैसे जो खर्च होंगे, चाहे वो अपना रेंट लेना होगा या खाने के लिए, तो उसका भी हम इसमें नेगोशिएट कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। तो दूसरी जगह जाएगा तो उसका कुछ एक्सपेंस एक्स्ट्रा भी लगेगा, तो इसीलिए ठीक है। तो बहुत अच्छा है, लगे रहिए। सर नेक्स्ट राउंड के लिए जो अपना एएसएम प्रमोट हुआ है फॉर एसएम, उसके लिए उसके साथ तो कंग्रेचुलेशन के लिए उसको फोन किया, बधाई देने के लिए फोन किया है, ताकि और उसके बाद उसको जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सब चीजें बताने के लिए फोन किया सर। तो यहाँ भी वही चल रहा है, असेसमेंट का ही काम चल रहा है और बहुत अच्छा बात है कि भाई फोन करके बधाई भी दे रहे हैं और कई चीजों में हमने इंक्रीमेंट करी है। अब जैसे ये विक्रम जी है शायद सिलेक्टेड है। हाँ विक्रम सर सिलेक्ट है एएसएम से एसएम के लिए। हाँ विक्रम जी देखिए ये सिलेक्टेड है एएसएम से एसएम के लिए और इनका सैलरी निगोशिएशन ही शायद चल रहा होगा। तो विक्रम जी आपका क्या कैसा लग रहा है ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने ये प्रोग्राम चलाया असेसमेंट का, तो क्या आपको इसका सबसे फायदा तो फायदा आप ही को होता हुआ दिख रहा है? विक्रम आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। आपका क्या है विक्रम? सर बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि कुछ बहुत सारे हमारे सोर्स में ऐसे भी लड़के हैं जो डिजर्व करते हैं आगे आना, बट वो कई बार होता है ना कि सर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है वर्क का इतना रहता है कि वो चीजें थोड़ी निगलेक्ट हो जाती है। तो अभी अपॉर्चुनिटी मिली हमें अपने आप को प्रेजेंट करने की, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, 100% देंगे स्टोर को अपग्रेड करने में, इंप्रूव करने में और सेल को भी हाई करने में सर। बहुत अच्छा, तो ऐसे ही जैसे आप मोटिवेटेड है टीम को भी मोटिवेटेड रखिए
और हम इस प्रोग्राम को एवरी मंथ 15 तारीख को चलाएंगे कि जो भी अगर इस बार अगर सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं तो उनको पूरा तैयारी करने का एक टाइम भी मिलेगा, और जिन्होंने अभी तक अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया है वो भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर, थैंक यू, क्योंकि सर बहुत अभी भी है मेरे स्टोर में, अभी एक लड़के को हमने डीसीएड के लिए किया अपॉइंट, तो जोगिंदर सर का कॉल आएगा उन्हें इंटरव्यू के लिए, जो डिजर्विंग है अभी हमसे डीसीएड में जाना चाहता है। बिल्कुल आज हम लोग सेल्समैन से डीसी एग्जीक्यूटिव से एफएम के लिए डीसी हेड के लिए कैशियर से हेड कैशियर के लिए आज भी इंटरव्यू चल रहे हैं और ये मंडे को भी चलेगा, तो जो सेलेक्ट हो गए सबको बधाई और बाकी लोगों को मोटिवेट करने का काम ग्राउंड पे आप लोगों का है, तो थैंक यू विक्रम। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा, ये कंपनी ने स्टार्ट किया है तो इसकी वजह से मतलब और भी लड़के जो है अभी आगे मतलब मोटिवेट हो गए ना, जो मतलब कहते थे कि सर हमें मतलब कि हम और डिजर्व करते हैं करना चाहते हैं, तो उनको और मौका मिल रहा है, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे कि हम क्या कैपेबल है, किस चीज के कैपेबल है हम। सबसे ज्यादा तुम लोगों को भाई, तुम लोग ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग खुश रहो और मोटिवेटेड रहो, और हम लोग आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी ही केवल ला सकते हैं, और आप जितना तैयार रहोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू विक्रम, थैंक यू विक्रम। गुड मॉर्निंग कैसा क्या सर, चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, अपना जो एसएमबीएसएम का असेसमेंट चल रहा है, और सर लड़के इतने ज्यादा खुश हैं, जैसे मैं अपना बताऊं सर, आज उनका बताऊं तो 4-5 लड़कों का एसएमबीएसएम के लिए असेसमेंट हुआ है और इतने ज्यादा मोटिवेटेड है सर, तो मैं क्या बताऊं, और जिस बात कराइए चीज को लेकर सर मोटिवेट हुए ना, मैं इनका नाम बताना चाहता हूँ की इनके अंदर स्टोर मैनेजर बनने की इच्छा भी कैसे जागी, तो ये सर ये बताएंगे। नीरज बताओ यार, तुमको कैसे लगा कि तुम स्टोर मैनेजर बन सकते हो, कैसे आपने तैयारी करी, किसको देखकर तैयारी करी? सर मैं जब ज्वाइन किया था पटना 2 में तो हमारे सीनियर कमलेश सर थे और उनका भी मैं स्टूडेंट सुना था, कैसे वो आगे बढ़े, एज ए कैशियर ज्वाइन किया था, फिर वो एलपी बने, एलपी से जरिए एलपी बने, फिर स्टोर मैनेजर, और उनको काफी ज्यादा उनको नॉलेज है, उनके अंदर मैंने ट्रेनिंग ली है और उनके अंदर ट्रेनिंग लेके मैंने सारा कुछ सीखा है, उनका जो नॉलेज है सिस्टम से, फ्लोर का नॉलेज, ये सारा कुछ बहुत कुछ और ये अभी जैसे जो ये एक असेसमेंट का हमने प्रोग्राम चलाया, हो सकता है अभी मान लो 6 महीना नहीं चलाते या हमारे दिमाग में नहीं आता तो हो सकता है ये आपका डिले होता, ठीक है, लेकिन अभी जो हमने ये एकदम स्टार्ट किया और आप लोग सिलेक्टेड हो गए और सब कुछ का ग्रोथ है, अब तो देखो पहले क्या हो रहा था, थोड़ा प्रमोट हो जाने के बाद सैलरी में 1-2 महीना लेट भी हो रहा था और हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं सैलरी इधर से ही जो भी था बढ़ जा रहा था, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कर रहे, हमने भी चेंज लाया है कि भाई अगर आपका प्रमोशन हो रहा है और आप उस डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं तो हम आपसे सैलरी के लिए भी बात कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, हमको ये नहीं कह रहे कि हमने यहाँ अपने मन से बढ़ा दिया, आपसे बात कर रहे हैं। और इसमें एक चीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोकेशन अगर ट्रांसफर भी हम कर रहे हैं तो उस ट्रांसफर के केस में उसको जो रिलोकेशन का जो पैसा होना चाहिए वो भी हम साथ में दे रहे हैं, इंक्रीमेंट के साथ दे रहे हैं। और तुमने जो ये स्टोरी बताई बहुत अच्छी है, यही होता है, हर एक आदमी एक दूसरे से सीखता है, हमारा काम है कि कैसे अपॉर्चुनिटी को दे और क्रिएट करे। कई अभी ये स्टोर खुलने वाले हैं, जैसे सिलचर 2 कुछ दिन पहले खुला है, उड़ीसा में भी स्टोर 25 तारीख को खुलने वाला है, कानपुर दिवाली के पहले खुलने वाला है, और बहुत सारा न्यू लोकेशन का अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो हम एक पूरा बेंच स्ट्रेंथ अपना रेडी करना चाहते हैं, और हो सकता है इस वाले कार्यक्रम में जो पिछले 4 दिन से चल रहा है 50-60 लोगों का एएसएम एसएम और एफएम डीसी हेड के लिए चल रहा है, तो सबको मैं यही कहूंगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो उसके लिए बधाई, टीम में अपने स्टोर के अंदर यही जज्बा यही मोटिवेशन यही स्पार्क सब में रखो और सबको मौका मिलेगा, और हमने बार बार बताया कि जो भी अभी सिलेक्ट नहीं हुए उनके पास भी मौका है कि अगली बार पूरी तैयारी के साथ आए, जो अभी नॉमिनेशन में नहीं आए वो पूरा तैयारी करके नॉमिनेशन में, ठीक है? थैंक यू नीरज, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और पूरे
टीम को इसी तरह से मोटिवेट रखो। और आप बताए आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, मतलब इसके अंदर जैसे कि नीरज से जो बात हुई इतना स्पार्क है कि जब हम अगला 6 महीने बाद जब राउंड करेंगे असिस्मेंट का कोई एक नया राउंड करेंगे तो उसमें नीरज हमारे पास में एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसकी ना इच्छा यहीं पर नहीं सीमित हुई है। इसने बोला कि मैंने एक साल में अपना टारगेट किया कि एक साल में मेरा सैलरी डबल होना चाहिए। तो सर इस तरीके का यदि स्पार्क लोगों के एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा। और उसके लिए जो तुम नॉलेज की बात कर रहे हो, सबसे पहले नॉलेज होगा तो अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आना शुरू होता है। सर एक अच्छी बात और, जो सुबह हम बात कर रहे थे तो वो नीरज ने मेरे को बताई कि यहाँ पर आके चैलेंजेस तो आए, जैसे कि जब नया आया तो उसको लगा कि यहाँ पर तो रिपोर्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, लेकिन इसने सोचा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि मेरे को सीखने के लिए भी मिलता है। घबराहट भी हुई होगी नीरज, बहुत बार क्या होता है लोग हमारे आते हैं फिर जैसे ही थोड़ा हमारा प्रोसेस, भाई टफ तो है लेकिन इसमें काम करने का मजा है। आदमी बहुत लोग सोच हार जाता है, लेकिन जो काम करते हैं ना उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, हम लोग देखो बार बार कहते हैं कि हमारा जो सेल्समैन है किसी भी कंपनी के कम से कम डिपार्टमेंट मैनेजर के बराबर होता है, और हमारा फ्लोर मैनेजर स्टोर मैनेजर के बराबर नॉलेज रखता है। और हमारा काम केवल ये नहीं है कि काम कराना कि आप मेरे हमारे कंपनी में काम कर रहे हो तो सिर्फ काम कर रहे हो। हम पहले दिन से, मैं भी इस कंपनी में इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, कंपनी के ओनर का हमेशा एक मोटिव रहा सबको ट्रेनिंग देना, सबको एजुकेट करना, सबको काम के बारे में जानकारी देना। तो हम लोग तो उसी प्रयास में लगे हुए हैं, सबको सिखा रहे हैं, सब तरक्की करें। ठीक है, तो मोहित जी बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। आप लोग का क्या चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है? जी सर, जी सर। इंटरव्यू का क्या फ्लोर मैनेजर टू एएसएम के लिए इंटरव्यू चल रहा है, जो कि हरिद्वार स्टोर्स पे फ्लोर मैनेजर जिनके इंटरव्यू में ले। हाँ दिखाइए, किस पोजीशन के लिए? असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के लिए। असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के लिए। हाँ एक बार पूछो इनसे कि एक अपॉर्चुनिटी मिला क्या, कभी ये सोच रहे थे, और क्या फीलिंग क्या है आपकी एक असिस्टेंट का, शायद दूसरे या तीसरे कैसा लग रहा है? सर कंपनी अच्छी है, कंपनी में एक एलुमिनियम से ज्वाइन कर रखा है तो कंपनी के अच्छे सारे 5 साल कंपनी को दे दिए, तो लगता है मुझे लगता है कि अब अगला रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, इतना है कि सर समान लगे अगला रजिस्ट्रेशन। और अच्छा लग रहा है, इतने साल दिए तो उसके बाद आपको असेसमेंट भी हो रहा है और शायद सिलेक्टेड भी हो चुके हैं, तो अभी एक मन के अंदर क्या एक खुशी फील हो रहा है? हाँ सर खुशी बहुत है सर, वही स्टोर में नीचे लेवल से एक एफएमआई तो खुशी हुई, तो अब एफएम से ईएसएम में जा रहा है सर, बहुत खुशी है वही कंपनी में, और सैलरी भी है सर, सैलरी बढ़ती है तो अच्छा है सर, खुद फील होता है सर, हमारे सर लोग ऊपर से अच्छा ट्रेनिंग वगैरह सारे काम सर सब अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैं ये कहूंगा आप अच्छा से अपना इंटरव्यू दीजिए, नीचे के लड़कों को भी मोटिवेट कीजिए और उनको भी कहिए ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आने वाली है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा आगे बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, हर चीज में ग्रोथ होगा। एक जब एलोवियम से आज एएसएम तक का सफर जब पीछे मुड़ के देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक फीलिंग आएगी, जब सैलरी डबल ट्रिपल हो जाए तो अलग ही मजा है। तो ठीक है, आपका सर ये पंकज है आदम भट्टू से एफएम टू एएसएम। हाँ पंकज जी आप बताइए कैसे हैं? नमस्ते सर। और कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया। और ये आपका क्या एफएम के लिए चल रहा है? एएसएम के लिए। एएसएम के लिए तो अभी इतना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है तो कुछ मन में है बोलिंग फीलिंग, क्या कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, अगर सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर जैसे हम तो उसको अच्छे से निभाएंगे जितना हो सकेगा। हाँ सर हम भी चाहते हैं अगर अगला पोस्ट मिलेगा सर, ये अभी तो एक साथ लाइव पर तो सर एफएम पे तो घिसना नहीं है तो आगे बढ़ना है। हाँ जी सर, तो आगे बढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हो ना? बिल्कुल जी सर, जी सर। चलो बहुत अच्छा है, अच्छे से इंटरव्यू दो, आगे आने वाले एसएम से सीख लेंगे सर, एसएम से सीख लेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही जुनून रखना चाहिए, सीखने की जो इच्छा है ना कभी भी उसको खत्म नहीं करना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। सर फातिमा से है, एलोमिनियम को एफएम के लिए। हाँ
कैसे हैं? हाँ प्रणाम प्रणाम। और कैसा लग रहा है आज इंटरव्यू हो रहा है? जी सर बढ़िया लग रहा है बस। और मन और स्टोर में क्या माहौल है? इस तरह से इंटरव्यू चल रहा है, लोगों का असेसमेंट हो रहा है, पैसे भी पैसे की भी बातचीत आज हो रही है, जो जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको कॉल भी जा चुका होगा, पैसा कितना बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है, तो एक कैसा क्या स्टोर में क्या रिस्पॉन्स है और क्या मतलब वहाँ का एक चल रहा है? चलो तो ऐसे ही सबको मोटिवेटेड रखो और सबको को सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? थैंक यू। बहुत अच्छा है कि चल रहा है और सारे स्टोर की टीम मोटिवेटेड है, सब लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को हमेशा क्रिएट करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी स्टोर की ओपनिंग है, तो हम लोग अभी हर 15 तारीख को ये असेसमेंट करेंगे, तो जिनका मैं पहले ही बता चुका हूँ नहीं हुआ है फिर से ट्राई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक असेसमेंट में अपना नाम ले दिया और तैयारी नहीं करी है वो तैयारी करें, अब वापस असेसमेंट में आए। थैंक यू, धन्यवाद।